हेलो एंड वेलकम टू खुशियाँ धीमी आज पे। आज हम बनाने जा रहे हैं सबका फेवरेट व्हाइट सॉस पास्ता, जिसके लिए हमने एल्बो पास्ता को पानी में नमक के साथ बॉईल करके ले लिया है। यहाँ पर होममेड व्हाइट सॉस है, इसकी रेसिपी हमने ऑलरेडी शेयर की है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर, मिक्स हर्ब्स, नमक, मेयोनीज, मिक्स वेजीज, हमने लिया है कैरेट, अनियन, कैप्सिकम, गार्लिक और कॉर्न। आप आपके पसंद से कोई भी वेजिटेबल्स का यूज कर सकते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें हमने बटर ऐड कर दिया है। बटर मेल्ट होने के बाद लहसुन डाल रहे हैं, लहसुन कलर चेंज होने तक भून लेंगे। लहसुन ब्राउन हो चुके हैं, प्याज ऐड करेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। इसमें हम सभी वेजीज ऐड कर देंगे। वेजीज को पकने तक अच्छे से भून लीजिए। स्वाद अनुसार नमक मिक्स कर लीजिए। इसमें हम होममेड व्हाइट सॉस ऐड कर रहे हैं। व्हाइट सॉस यूजुअली गाढ़ा रहता है, इसलिए हम इसमें पानी डालकर पका लेंगे अच्छे से। सब्जी या सॉस में अच्छे से पक गई है, अब हम इसमें बॉइल्ड पास्ता ऐड करेंगे। इस सॉस को थोड़ा थिक होने तक हम पका कर ले लेंगे। इसमें अब हम काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। काली मिर्च लिमिट में ऐड कीजिए ताकि इसका रंग ना बिगड़े। इसमें अब हम मिक्स हर्ब्स ऐड कर देंगे, ये रेडीमेड कोई भी बाजार में मिल जाएगी। हम मेयोनीज ऐड करेंगे थोड़ा सा। वैसे इस पास्ते के रेसिपी में मेयोनीज की ज़रूरत नहीं है, बट इसे और भी रिच और क्रीमियर बनाने के लिए, लुक देने के लिए हम मेयोनीज थोड़ा ऐड कर रहे हैं। पास्ता बनकर रेडी है, अब हम इसे डिश आउट कर देंगे। पास्ता बनकर रेडी है, अब हम इसे गार्निश करेंगे। ये मिक्स हर्ब्स है कुछ, चिली फ्लेक्स ये ऑप्शनल है बिल्कुल, और मेयोनीज। देखिए रिच एंड क्रीमी व्हाइट सॉस पास्ता बनकर रेडी है।